हाँ मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पहले भी मैंने खाना बनाया है सब पे तो हाँ, और आज मैंने स्पेशली इश्मा के लिए बनाया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ऐसा खाना बनाया जिसमें सॉल्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू हर तबीयत, तो बस हाँ हम प्यार से खाना खिला रहे हैं इश्मा को। ओके, और साथ में आलिया की भी एंट्री हुई है घर में, अब आलिया आप लोगों के साथ रहने वाली काफी। हाँ बहुत वियर्ड बात है, पर ऐसे हमने एक्सचेंज ऑफर चालू किया कि आदि को वहाँ फेंक दिया आलिया को यहाँ ले आया, क्योंकि हम आदि से बहुत बोर हो गए थे तो हमने सोचा चलो आलिया को यहाँ ले आते हैं। तो आलिया के साथ यू नो एडजस्टमेंट कैसी होगी? और एडजस्टमेंट मैं तो बहुत यूज्ड टू हूँ आलिया से, और आलिया भी मुझसे बहुत यूज्ड टू है क्योंकि रूहान और उसकी पीए की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी पहले से, तो बस हम लोग ऑलरेडी सेट है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी आलिया सॉरी आदि गेट आउट आलिया कम इन। अच्छा, आलिया और आदि की शादी में रूही कितना मदद करेंगे? मैं मदद मतलब मैं फेरे करवा दूंगी बस। अच्छा, टेम्प्रेरी कुक की जगह टेम्प्रेरी पंडित भी बन। हाँ टेम्प्रेरी पंडित बन जाऊंगी, उनकी मैं शादी करा दूंगी, सारे सियापे खत्म कर दूंगी, शादी हो जाए बस। अच्छा लगता है आदि के लिए काफी प्रॉब्लम्स होंगी उस घर में, यू नो एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि आदि एकदम बिंदास है, यहाँ पे आराम से जिंदगी कट रही थी। हाँ अभी बेटे को पता चलेगा कि मनी अंकल कितने स्ट्रिक्ट है, जो उनकी न्यू पार्टी आई है वो डबल स्ट्रिक्ट है, और शगुन मम्मा तो चलो ठीक है।